हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप लोगों ने धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं सिखाने वाला हूं सर्कल रिलेटेड बहुत से टॉपिक विदाउट फॉर्मूला कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, चाहे वो एरिया फाइंड करना हो या सर्कमफेरेंस फाइंड करना हो या फिर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना हो या फिर दोस्तों सेक्टर फाइंड करना हो, हर एक चीज सीखेंगे विदाउट फॉर्मूला कैसे करते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को सीखते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर एक लोग इस चीज को सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों विदाउट फॉर्मूला करना है तो कुछ ना कुछ तो याद रखना होगा ना। फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि रेडियस का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है दोस्तों, 7 है, और सर्कमफेरेंस का स्टैंडर्ड वैल्यू दोस्तों 44, और एरिया का स्टैंडर्ड वैल्यू दोस्तों 154 है। दोस्तों ये सेंटर पॉइंट से ये लाइन जो ड्रॉ किया ये रेडियस है, सर्कमफेरेंस मतलब दोस्तों ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने ये सर्कमफेरेंस है, और इसके अंदर जो यहां पर स्पेस जो है उसे एरिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों विदाउट फॉर्मूला आप कैसे फाइंड करोगे। आप समझ लीजिए कि यहां पर रेडियस जो है यहां पर 21 दिया है, मतलब r इक्वल टू 21 दिया है, और अगर आपको फाइंड करने बोले कि भाई सर्कमफेरेंस निकाल के बताइए और एरिया निकाल के बताइए, तो विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल, आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो रेडियस दिया है आपको देखना है कि कितने टाइम्स ज्यादा है। कि यहां पर रेडियस 21 है और यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू 7 है, तो आपको यहां पर 21 लिख देना है। तो 7 3 जा कितना होगा दोस्तों, 21 होगा, मतलब यहां पर 3 टाइम्स इंक्रीज किया हुआ है। इतना क्लियर हो गया है? अब यहां पर सर्कमफेरेंस निकालना है तो क्या करोगे, यहां पर भी आपको 3 टाइम्स लिख देना है। क्लियर हो गया? तो 3 4 जा कितना होगा दोस्तों, 12, कैरी 1 चला गया, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो 132 आपका आंसर हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा कि एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, हो जाएगा आंसर? नहीं दोस्तों, क्योंकि यहां पर दोस्तों रेडियस अगर यहां पर समझ लीजिए सेंटीमीटर में दिया है तो ये क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर होगा। सर्कमफेरेंस का भी आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, लेकिन एरिया का आंसर क्या होता है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर होता है तो जो टाइम्स दिया है उसको भी स्क्वायर करना होगा। तो यहां पर 3 दिया है तो हमें क्या करना होगा, 3 3 9 करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों 9 4 36 6 यहां पर लिखेंगे, यहां पर 3, 9 5 45 45 प्लस 3 48, तो यहां पर 8, यहां पर 4 आ गया, 9 1 9 9 प्लस 4 13 होगा, और आपका आंसर दोस्तों ये आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि अगर प्रैक्टिकल वे में हम नहीं सीखेंगे तो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट में क्लियर कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भी विदाउट फॉर्मूला। दोस्तों यहां पर देखिए एरिया दिया है 616 दिया है, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैंने सिखाया स्टैंडर्ड वैल्यू सिखाया मैंने, उसे आप लिख लीजिए। आर का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, और सर्कमफेरेंस का स्टैंडर्ड वैल्यू 44 होगा, और एरिया का क्या होगा दोस्तों, 154 होगा। ये मैंने लिख लिया मैंने। अब देखेंगे दोस्तों यहां पर 616 क्या दिया है, एरिया दिया है, तो यहां पर 616 और यहां पर 154 लेता हूं। दोस्तों इसको डिवाइड करोगे आप अगर, तो 154 4 जा कितना होगा दोस्तों, 616 होगा, मतलब 4 टाइम्स दिया है। तो दोस्तों आपको सिखाया हुआ है कि एरिया में अगर 4 टाइम्स दिया है तो सर्कमफेरेंस में क्या होगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और यहां पर दोस्तों 2। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर होता है रेडियस में, यहां पर सेंटीमीटर होता है, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यहां पर 2 और यहां पर 2 होगा, तो तभी तो वहां पर 2 का स्क्वायर करके 4 आया होगा। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा आंसर देखिए आ गया, यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर आ गया। विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर आपको ये याद रह गया तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपको यकीन नहीं आया होगा मुझे पता है, अब मैं फॉर्मूला पुट करके आपको बताता हूं कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। दोस्तों यहां पर एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर 616 और यहां पर पाई की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 22/7 होता है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर कर दिया, इसको इधर लेके आ जाइए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 616 मल्टीप्लाई 7/22 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया मैंने।
है। अब दोस्तों 22 को कट करोगे 28 से तो इजीली आपका 616 आ जाएगा। फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56, 6 यहां पर 5 आ गया, 7 2 14, 14 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों 19 होगा, तो यहां पर 196 आर स्क्वायर आ गया। यहां पर मुझे आर चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे 14 मिल जाएगा। देखिए यहां पर 14 आ गया, है ना। इतनी मेहनत क्यों करना है दोस्तों, अगर आपको इजी ट्रिक आता है तो। अब दोस्तों यहां पर सर्कमफेरेंस निकालना है तो यहां पर सी लिखोगे, 2 पाई आर लिखोगे, फिर दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, रेडियस 14 है, 7 2 जा 14 करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका 88 आएगा। क्यों करना है जब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, जिससे और भी अच्छी तरह से आपको मैं सिखा सकूं। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक सम लेके आया दोस्तों। इस सम में आपको क्या दिया है कि एरिया इज इक्वल टू 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और आपको फाइंड करना है यहां पर सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे दोस्तों, यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया है उसको एरिया से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहां पर दोस्तों 2464 लिखूंगा मैं और यहां पर 154 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। फिर दोस्तों क्या करूंगा यहां पर मैं कि वहां पर 16 दिया है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 मुझे मिल जाएगा। ये कैसे हुआ फिर से मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, यहां पर रेडियस का आंसर सेंटीमीटर होगा, यहां पर सर्कमफेरेंस का आंसर सेंटीमीटर होगा, लेकिन एरिया का आंसर क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहां पर अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, इसीलिए दोस्तों यहां पर 4 होगा। क्लियर हो गया। यहां पर दोस्तों सर्कमफेरेंस फाइंड करने बोला है, रेडियस फाइंड करने नहीं बोला है तो हम सिर्फ इसको करेंगे। तो दोस्तों 4 4 16 होगा, यहां पर 6 कैरी 1 चला गया, 4 4 16 16 प्लस 1 कितना होगा, यहां पर 17 होगा और ये दोस्तों आपका आंसर आ गया 176 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अगर आपको डायरेक्टली डिवाइड करना नहीं आएगा तो आपके लिए मैं और एक चीज सिखाने जा रहा हूं कि कैसे इसको कैंसिल करते हैं। यहां पर आपको मैंने ये लिख दिया मैंने, अब मैं कैंसिल करने जा रहा हूं। यहां पर दोस्तों 2 से कट करिए, ऐसा नंबर लीजिए कि ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाए, तो 27 जा 14, 27 जा 14, 21 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और दोस्तों 2 2 जा 4, ये हो गया। अब दोस्तों 7 का टेबल याद करिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और यहां पर 7 1 जा 7 करोगे तो यहां पर 12 दिया है, 5 रिमाइंडर होगा तो 53 हो जाएगा, 7 7 जा 49 तो यहां पर दोस्तों आपका यहां पर 4 बचेगा रिमाइंडर, तो 7 6 जा 42, ठीक है। फिर दोस्तों यहां पर 11 के टेबल से देखिए, 11 1 जा 11, 6 रिमाइंडर होगा तो 66 है, तो 11 6 जा 66 हो जाएगा और आपका आंसर दोस्तों 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिससे और भी अच्छी तरह से आप सीख सको। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आया दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सिंपल आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ये देखिए सर्कल है और दोस्तों आप समझिए कि इस तरह का आर्क होता है, आपको ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको ये फाइंड करना होगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं हम लोग। तो यहां पर सर्कमफेरेंस का क्या दिया है, यहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है और यहां पर रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर जो रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर ये कितने टाइम्स है, तो यहां पर 7 जो है यहां पर लिखेंगे 21, यहां लिखेंगे 7 3 जा 21 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स है। तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पर दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 3 और यहां पर क्या होगा दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, लेकिन इसकी जरूरत अभी हमको नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत है इसकी जरूरत है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर 3 4 जा 12 तो 2 यहां पर कैरी 1 चला गया, 3 4 जा 12 12 प्लस 1 कितना होगा, यहां पर 13 होगा तो 132 आ गया। तो 132 जो है ये पूरे का आ गया, यहां पर सर्कमफेरेंस आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, 60 डिग्री एंगल वाला यहां पर आर्क चाहिए, तो यहां पर 132 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 और पूरा डिग्री क्या होता है दोस्तों, सर्कल का 360 डिग्री होता है, तो यहां पर 360 लिखेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। फिर दोस्तों उसको कैंसिल कैसे करेंगे, 6 जा 6 यहां पर 1 बचेगा तो 6 2 जा 12, तो यहां पर आंसर क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर आंसर होगा। हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सेक्टर कैसे निकलेगा दोस्तों? सेक्टर जो है एरिया से कनेक्ट होता है, तो यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों रेडियस, यहां पर सर्कमफ्रेंस और यहां पर मैं लिख लेता हूं एरिया लिख लेता हूं, और इन तीनों का स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लेता हूं। यहां पर 7, यहां पर 44 और यहां पर 154 मैंने ये लिख लिया। दोस्तों सेक्टर क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। देखिए ये सर्कल है इस तरह से, ये सेंटर पॉइंट और ये इस तरह से सेक्टर बनता है। क्लियर हो गया? और यहां पर 70 डिग्री दिया हुआ है, तो आप यहां पर 70 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर एरिया 154 दिया है और यहां पर कुछ हिंट दिया है, यहां पर रेडियस हिंट दिया है। तो एक काम करते हैं, ये जो रेडियस दिया है यहां पर लिख लेते हैं, तो 18/7 लिख लेता हूं। ये तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसे भी नंबर आ सकते हैं ना कि डिवाइड ना हो, तब क्या करेंगे दोस्तों? टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिंपल क्या करना है, ये जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 18/7 टाइम्स हो गया। ठीक है, यहां पर भी मल्टीप्लाई 18/7 होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना होगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय मैं 18/7 मल्टीप्लाई बाय 18/7 करूंगा और ये 154 को मैं यहां पर लिख लूंगा। इतना क्लियर हो गया? फिर दोस्तों यहां पर दिया है 70 डिग्री दिया है, तो यहां पर क्या करूंगा, 70/360 डिग्री लिखूंगा। इतना क्लियर हो गया? अब सिंपल दोस्तों कैंसिल करना है, विदाउट फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 × 10 = 70 हो गया, और यहां पर दोस्तों 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 हो गया, यहां पर 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, यहां पर 0 0 0 कैंसिल, 2 × 9 = 18 हो गया, यहां पर 22 × 9 बचा है, तो 9 × 2 = 18 कैरी 1, 9 × 2 = 18, 18 + 1 कितना होगा, 19 होगा, और दोस्तों आपका आंसर यहां पर मिल गया आपको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हमें पता चले कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक लोग ये चीज सीख पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।